नारी कभी अपवित्र नहीं है। दुराचारी अजितेंद्रिय पुरुषों ने ही नारी की पवित्रता को नष्ट किया। बाबा कितने दुख की बात है, मनुष्य न जाने कौन कौन से घृणित कर्म करता है फिर भी अपने को पतित नहीं मानता, और जिसको जबरदस्ती गणिका वेश्या बनाया गया है उसको पतिता कहता है। अरे भाई, उसे पतिता बनाया किसने? उसे पतिता बनाया किसने? उन स्वेच्छाचारी अजितेंद्रिय लोलुप कामर पशु बुद्धि वाले भोगी पुरुषों ने ही उस स्त्री को, जो किसी की मां थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उसको पाप कर्म की ओर धकेला, उसे यह घृणित कार्य करने के लिए विवश किया। लेकिन उनकी निंदा तो करोगे, अपने दोष का सुधार नहीं करोगे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य श्री महाराज जी का मंगल में दर्शन हम लोगों को हो रहा है, श्री पथमेड़ा महाराज जी का। इसलिए महाराज जी काफी समय से पुराणों को देखने से मन में एक बात आती है, आज हिंदू सनातन वैदिक समाज जो विखंडित हो रहा है उसके कई कारण हैं। उसमें एक मुख्य कारण है सत्संग का अभाव। आप लोगों ने था नहीं मानना, प्रायः राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, सभी पवित्र हमारे धार्मिक आयोजन, उनमें समाज के गिने चुने लोग भाग लेते हैं। वही लोग सुनते हैं जो सुनते चले आए हैं, अपने अन्य भाइयों को नहीं सुनाते हैं। और इसका लाभ उठा करके दूसरे लोग तेजी से उनको धर्मांतरित करने में लगे हुए हैं, और जो जो धर्मांतरित होते चले गए वे सबके सब हिंदू धर्म का प्राण, वैदिक सनातन धर्म का मूल गाय, उसके विरोधी होते चले गए। महाराज जी, हमारे हिंदुओं में कसाई भी गोवध नहीं करता था, अन्य पशुओं को मारकर वो मांस का काम करता था, हमारे यहां का कसाई भी गोवध नहीं करता था। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने को हिंदू कहने वाले लोग भी गाय की तस्करी में लिपते हैं, और केवल तस्करी में लिप्त नहीं है, कितने तो ऐसे हैं कि परम पूज्या गाय के मांस को भी खाने लग गए हैं दुर्भाग्य से। कारण क्या है? सत्संग का अभाव। महाराज जी, जंगली क्षेत्र में कथा हुई तो हमने वहां सुना, ये हरदा के आगे की बात है, उसकल्ली गांव एकदम जंगली क्षेत्र था, वहां कथा हुई तो हमने लोगों से सुना, महाराज यहां के जंगल के लोग गायों को पकड़ करके ट्रकों में लदाते हैं, यही उनका काम, उनको बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता, गरीबी है, थे सब जंगली आदिवासी लोग। हमने कहा कि आप सबको कथा में बुलाओ, वो बेचारे जानते नहीं हैं। और महाराज जी सब कथा में आए और इतना परिवर्तन उनमें हुआ कि जो पकड़ के देते थे उनको, वो ही उस रास्ते को ही कसाईयों का बंद कर दिया उन्होंने, और आज वो जंगली लोग उस क्षेत्र में विशाल गौशाला का संचालन कर रहे हैं। महाराज जी, एक कथा हुई केवल वहां, और उस एक कथा का परिणाम ये आया। स्कंद पुराण का जब हम मूल पारायण कर रहे थे तो एक वाक्य पढ़कर के हमारा हृदय भराया, आंख भराई। सृष्टि के प्रकरण में व्यास जी लिख रहे हैं, गोरक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण का निर्माण किया,
गौ और ब्राह्मण इन दोनों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। तो हम इसलिए कह रहे हैं हिंदू समाज के अंतिम व्यक्ति तक को भी कथा में बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए, आदर पूर्वक बिठाना चाहिए, प्रसाद भी देना चाहिए, जिससे वो सत्संग प्राप्त करके अभक्ष भक्षण के पाप से मुक्त हों, अपेय पान के पाप से मुक्त हों, अगम्य गमन के पाप से मुक्त हों, और कोई बुरा माने तो भले ही बुरा मान जाए, उच्च वर्ण के लोग जो अहंकार में जीते हैं उनमें कम परिवर्तन होता है, पर सत्संग के द्वारा जो अंतिम व्यक्ति है उनमें परिवर्तन जल्दी होता है, शीघ्र होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। पर होता यही है, चाहे शहरों में कथा हो चाहे गांव में कथा हो, कई जगह तो आज भी ऐसी स्थिति है कि वे कथनचित आ भी जाएं तो उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि दूसरे लोग बड़गलाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है समाज के प्रत्येक वंचित व्यक्ति तक भी ये सत्संग की गंगा जानी चाहिए, जिससे सबका उद्धार हो जाएगा।